अंदर आने के बाद पता चल गया कि कुछ लोग दूर से ही बातें करते हैं। मेरा एक दोस्त भी आया था शो पे, जिसके सामने कोई और एक नकली गैंगस्टर आया था और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो अदनान 07 बिग बॉस के बाद इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे और लाइव में एल्विस यादव को कटारिया को कुछ इस टाइप का बात बोल दिया कि आपसे भी सुनकर शॉक हो जाएंगे। कटारिया को एल्विस को इस टाइप का बात बोला है कि कुछ लोग जो है ना दूर से ही गैंगस्टर कर सकते हैं, नकली गैंगस्टर है, सामने आने से उन लोगों का कुछ मुंह नहीं खुलता। अदनान ने ये भी बोला कि मैं बिग बॉस के अंदर देखा सामने से कुछ बोलने का औकात नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। बाकी क्या बोला है अदनान 07 ने एल्विस और कटारिया के बारे में, आप इस क्लिप में देखिए। और एक चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ कि जितने भी दिन था गीदड़ के तरह नहीं था, शेर के तरह था। और जो भरम था कंटेंट क्रिएटर्स को लेके, कुछ लोगों का दूर से बैठ के बातें करना बड़ी बड़ी, अंदर आने के बाद पता चल गया कि कुछ लोग दूर से ही बातें करते हैं, सामने आने के बाद आवाज़ नहीं निकलती है। जितना भी दिन अंदर था बाहर बहुत सारे आए नकली गैंगस्टर। मेरा एक दोस्त भी आया था शो पे, जिसके सामने कोई और एक नकली गैंगस्टर आया था और बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गया। फैसल बहुत क्लीन वे में अपने पॉइंट्स रखा, पर जवाब एक्चुअल जवाब देना था वो उसको मिला नहीं है, तो वो जवाब भी मिलेगा आप लोग। यस यस ब्रदर, ढसा दिए। ढसने वाले में से थोड़ी ना, अपन ढसाने वाले में से, बिल्ला शॉट है अपना। उतारा लेना बाकी है अभी, जितने भी लोग आए हैं अभी उन लोगों का उतारा होएगा अभी। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के बाद आप सभी को कैसे लगा अदनान 07 ने एल्विस और कटारिया के बारे में ये सब कुछ बोला? बाकी आप अपना ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। We'll be right back.